फोर न्यूज। आज भारतीय जनता मजदूर संघ जिला अध्यक्ष अकरम अली द्वारा यामीन खान को विधानसभा अध्यक्ष पद से मनोनीत किया गया। सिरोली बरेली से रिपोर्ट रामू कठहरिया की। इसी क्रम को देखते हुए जिला अध्यक्ष अकरम अली ने बताया कि उन्हें अपने संगठन में अच्छी निष्ठा वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है, जो गरीब व्यक्तियों के हित में कार्य करें एवं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। हर संभव प्रयास उनका यही रहेगा कि वो सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे और प्रत्येक मजदूर व्यक्ति का कार्य हो। विधानसभा अध्यक्ष यामीन खान ने बताया कि वो प्रत्येक मजदूर भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा तत्पर खड़े हैं। अगर किसी भी मजदूर भाई को कोई समस्या है तो वो हमें बता सकता है, उस समस्या का समाधान अति शीघ्र किया जाएगा और गरीब मजदूर व्यक्तियों को सरकारी योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। आज यामीन खान ने विधानसभा अध्यक्ष का भार संभालते हुए सभी से अपील की है कि वो अगर कोई व्यक्ति है जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो चुके हैं, तो वो सीधा उनसे आकर मिल सकता है, उनकी समस्या का समाधान बहुत जल्द किया जाएगा। यामीन जी ने कहा कि हम सब मिलकर गरीब मजदूर लोगों के साथ हमेशा साथ खड़े हैं और जिला अध्यक्ष अकरम खान को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा। इसी क्रम में जिला अध्यक्ष अकरम अली ने कहा कि हम सब भारतीय जनता मजदूर संघ मजदूर बेसहारा गरीब लोगों के हित में हमेशा खड़े हैं। उनका प्रयास रहेगा कि वो कोई भी गरीब बेसहारा व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए। जिला उपाध्यक्ष इरशाद सैफी ने कहा कि संगठन के सभी पदाधिकारी पूरी सच्ची निष्ठा एवं लगन से अपने भारतीय जनता मजदूर संघ को गरीबों के इसमें मिलकर कार्य कराते रहेंगे। सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। इसी मौके पर फैज सैफी ठाकुर, आशीष कठहरिया, राज राणा उपस्थित रहे।